कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने स्वीकार किया है कि झारखंड में तेजी से बेरोजगारी फैली है और चाहकर भी हेमंत सरकार बेरोजगारी कम करने में असफल हो रही है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि राज्य में बेरोजगारी को ग्रामीण विकास की योजना मनरेगा में काम मिला है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। धनबाद के लूबी सरकुरा रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम का निरीक्षण करने पहुंची विधायक दीपिका पांडे ने केंद्र सरकार में जमकर निशाना साधा और कोरोना को ले दिए गए निर्देश में टीकाकरण की गति धीमी होने का जिम्मेवार केंद्र सरकार को बताया। भर भर के सर गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, देखिए एक साल का समय गुजर गया, रोजगार को लेकर आप कदम क्यों नहीं उठा रहे? रोजगार रोजगार की अगर हम लोग बात करें तो हमें सिर्फ एक साल को नहीं केंद्र सरकार के 7 साल को देखना पड़ेगा। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे राज्य में राज्य से पलायन होता रहा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, पहले जो कहीं बेसहारा पड़े हुए थे उनके सबका रजिस्ट्रेशन हो। आज राज्य सरकार को पता है कि हमारे कितने भाई बहन दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ी तो हमने उन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित अपने राज्य में लाने का भी काम किया है। लेकिन यह सत्य है कि आज हमारे पास राज्य में उतने रोजगार नहीं है, और ना साल भर कोरोना की वजह से होने की वजह से जो जिस तेजी से काम होना चाहिए था इस पलायन जैसी तकलीफ को दूर करने के लिए, वह हम लोग चाह करके भी नहीं कर पाए हैं। ये मजदूर रोजगार के खोज में जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि राज्य में मनरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण कम से कम अर्थव्यवस्था है उसको संभाला जाए, वहाँ लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन यह सत्य है कि आज भी हमारे पास सभी लोगों के लिए रोजगार नहीं है इस राज्य में। पूरे राज्य की बात नहीं की रही, पूरे देश की बात करी। जो स्थिति है वह यह है कि देश में अभी तक 3% लोगों को भी 2 डोज दे करके देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सुरक्षित नहीं कर पाई। कल भी आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि कांग्रेस ने पूरे देश में यह मुहिम चलाया कि जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो और साथ ही साथ देश की पूरी आबादी को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर दिन कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए और देश के लोगों की जान को सुरक्षित किया जाए। झारखंड में हम लोगों का यह सौभाग्य मान सकते हैं कि जो दूसरा लहर आया उससे हम लोग, जो सबसे मुश्किल समय था उससे हम लोग 10-12 दिन में ही उभर पाए, और राज्य में वो चाहे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, राज्य सरकार ने तुरंत काम करके इस गंभीर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वो 18 से ऊपर जो लोग हैं उनको फ्री वैक्सीन मुहैया कराएंगे, लेकिन वह वैक्सीन देने का काम केंद्र सरकार का है। वो हमें कैसे पैसे देने के बाद भी सहूलियत से उपलब्ध हो, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अन्य बड़े देशों में जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पर केंद्र जो है वो वैक्सीनेशन राज्यों को मुहैया करा रही है और फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, वही काम हमारे देश में भी होना चाहिए। तीसरी लहर से बचने के लिए हमारे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बात है, जो बहुत ही भयावह परिस्थिति हो सकती है। तो इस जो वक्त हमने पहले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बर्बाद किया है, वह फिर से दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार केंद्र सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में टीकाकरण को लेकर राजनीति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच काफ़ी तेज हो गई है। लॉकडाउन के बाद यह राजनीति और भी गर्माने का आसार दिख रही है। मुखर संवाद के लिए ए मलिक की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान,
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।